हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं अगेन आप सभी से बात करने वाली हूँ मेंस्ट्रुअल कप के ऊपर। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि अगले वीडियो में मैं हेल्थ टैक्टिक्स और पीरियड में मैं बताने वाली हूँ आप सभी को कि हम मेंस्ट्रुअल कप का चुनाव कैसे कर सकते हैं, मीन्स हम कि हमें मेंस्ट्रुअल कप किस साइज़ का लेना चाहिए, हम कैसे जानेंगे कि हमें हमारी बॉडी को कौन सी साइज़ चाहिए। दूसरा, मेंस्ट्रुअल कप खरीदते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं यही टॉपिक कवर करने वाली हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट टाइम आए हैं तो बिल्कुल जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ और भी आने वाले हैं। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल बटन है उसको भी जरूर दबा लेना, क्योंकि वो नहीं दबाओगे तो मेरा कोई भी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलने वाला। चलिए फाइनली शुरू करते हैं। तो कैसे हम जानेंगे मेंस्ट्रुअल कप की साइज़ क्या है हमें? तो देखिए, सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊंगी, कोई भी ज़्यादा झमेले नहीं करूंगी। अगर आप बैचलर हैं, शादी नहीं हुई है, टीनेज में हैं, आपकी सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है, जैसे कि मेरी सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है, और अगर आपको फ्लो थोड़ा कम आता है तो आपको हमेशा स्मॉल साइज़ लेना चाहिए। और अगर आपकी 2-3 डिलीवरी हो चुकी है या आपका वजाइनल एरिया थोड़ा सा बड़ा है, स्पेस मतलब काफ़ी लंबा है, उसका जो स्पेस है वो काफ़ी लंबा है, तो आपको लार्ज साइज़ लेना चाहिए। अब हम उसे नापेंगे कैसे? तो उसके लिए आपको करना होगा फिंगर टेस्ट। मैं कुछ डायग्राम्स के थ्रू बता दूंगी, यहाँ पे डायग्राम दे दूंगी। जब हम फिंगर टेस्ट करेंगे तो हमें हमेशा देखना होगा कि हमारा ये जो फिंगर है कितना अंदर जा रहा है। तो ये होता है स्मॉल, ये होता है मीडियम, ये होता है लार्ज। तो स्मॉल में जब आप अंदर अगर फिंगर टेस्ट करोगे, इंसर्ट करोगे अपने वजाइनल एरिया के अंदर फिंगर अपना, तो ये अगर यहाँ तक जाके रुक जाता है तो आपको स्मॉल साइज़ आपको समझ में आएगा कि ये स्मॉल साइज़ है। अगर आपका यहाँ तक जाके रुकता है और सामने कुछ टच करता है तो आपको लगेगा कि ये मीडियम साइज़ है, और अगर यहाँ तक जाता है कुछ टच करता है ऊपर या नहीं भी करता है तो आपको समझ लेना चाहिए ये लार्ज साइज़ है। तो इस तरीके से साइज़ आप माप सकते हो। मैं बात करूंगी साइज़ के ऊपर, तो देखिए मैं अभी एवरटीन के बारे में ही बात करने वाली हूँ। दो साइज़ के कप आते हैं, एक स्मॉल और एक लार्ज, तो मैं तो स्मॉल यूज़ करती हूँ। दूसरा चीज़ आप ध्यान रखने वाली बात है कि हम मेंस्ट्रुअल कप को ख़रीदते समय क्या क्या ध्यान रखें। तो सबसे पहले मेंस्ट्रुअल कप हमेशा अच्छे ब्रांड का खरीदें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी भी गलत ब्रांड का खरीद लेते हो जो कि स्किन फ्रेंडली ना हो तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो 1-2 महीने बाद ही लीकेज करने लगेंगे, मेंस्ट्रुअल कप में क्रैक्स आने लगती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप किसी अच्छे ब्रांड का मेंस्ट्रुअल कप खरीदो। मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप एवरटीन का ही खरीदो, क्योंकि मेरे को रियली में ये बहुत पसंद है। दूसरा, मेंस्ट्रुअल कप खरीदते समय और क्या ध्यान रखना चाहिए? तो मेंस्ट्रुअल कप खरीदते समय आपको ध्यान रखना चाहिए, सबसे बड़ी बात है, अगर आप देखो तो ये यहाँ पर एक ग्रिप बनी हुई है, ऐसे देख सकते हो आप, साइड में ग्रिप बनी हुई है, ये ज़रूरी है मेंस्ट्रुअल कप में, क्योंकि जब आप इसको रिमूव करते हो तो ये ग्रिप हम यहाँ से रिमूव नहीं करते हैं, यहाँ से हम पकड़ के रिमूव करते हैं। तो अगर ग्रिप रहती है तो पकड़ने में आसानी होती है। इसके अलावा ये चीज़ भी होनी चाहिए, ताकि आप ये चीज़ मीन्स ये जो स्टिक टाइप की है ना लंबी सी, ये भी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब मेंस्ट्रुअल कप अपना स्पेस लेता है तो ये एरिया हमें खींचने के लिए, मीन्स वजाइना से ऐसे खींचने के लिए ये एरिया हमें चाहिए होता है, और तब हम इसे आराम से ऐसे पकड़ के इसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। मेंस्ट्रुअल कप खरीदते समय एक चीज़ का ध्यान और रखना है कि मेंस्ट्रुअल कप 2 टाइप के आते हैं, तो आपको हार्ड चाहिए या सॉफ्ट चाहिए कैसे आपको पता चलेगा? तो हार्ड जो मेंस्ट्रुअल कप होता है उनके लिए होता है जो फिज़िकल एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व है, लाइक किसी तरह के गेम्स में एथलीट है, मतलब खेलते हैं किसी तरह के गेम्स में इन्वॉल्व हो, क्योंकि उनकी मसल्स जो होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, तो वो हार्ड वाला मेंस्ट्रुअल कप उनको सही से सही आएगा, मतलब उनकी ग्रिप उनके लिए सही होगी। और सॉफ्ट किन को लेना चाहिए? जो जैसे हाउसवाइफ भी बहुत एक्टिव होती है, बहुत काम करती है, लेकिन वो गेम्स की तरह बहुत ज़्यादा उस टाइप से एक्टिव नहीं होती है। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो
जो हाउस जो नॉर्मली मतलब उस टाइप से एक्टिव ना हो, गेम्स एथलीट की तरह एक्टिव ना हो, तो उनके लिए ठीक है, या उनके लिए भी ठीक है जो जिनको टॉयलेट लीकेज की प्रॉब्लम है, जिनको सुसु बाहर आ जाती है, तो उनके लिए बहुत उनके लिए भी सॉफ्ट होना चाहिए। ओवरऑल आपको मेंस्ट्रुअल कप खरीदते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि वो सही साइज का हो, सही क्वालिटी का हो और सही तरीके से आपको फिट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने साइज से बड़ा मेंस्ट्रुअल कप खरीदोगे तो क्या होगा कि आप कंफर्ट फील नहीं करोगे, आपको अपने दोनों पाँव के बीच में ऐसा लगेगा कि कुछ है, हमेशा आपके दिमाग में ये चलता ही रहेगा। और अगर आप छोटा खरीद लोगे तो भी आपके लिए सही नहीं है। आपको मेंस्ट्रुअल कप खरीदने से पहले इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि मेनली आपका साइज क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, ये सारी चीज़ों का ध्यान बहुत ज़रूरी है रखना। इस कप की तो मैं इस कप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहे तो वहाँ से बाई कर सकते हैं, एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, काफ़ी अच्छे काफ़ी यूजफुल एंड काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये, तो एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। करती हूँ कि मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाई हूँ कि मैं आपको किस साइज का मेंस्ट्रुअल कप लेना चाहिए, कैसे आपको समझना है, ये सारी चीजें मैं समझा पाई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, लाइक के बिना कहीं नहीं जाना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।